शादी के बाद दो चार चार साल बच्चा नहीं हुआ, घबरा जाती हैं, मौलाना साहब दे दो, मौलाना साहब बच्चा देंगे नहीं, ताबीज दे दो, घोल घोल के पिलाओ। हमारे यहाँ यूपी में कुछ ज्यादा खुराफाते हैं, बंगाल में भी होंगी हमें नहीं मालूम, हम तो खुराफाते थोड़ी देख रहे हैं। हमारे यहाँ सुनने को मिलता है, एक मौलवी ने मस्जिद के हुजरे में कहा कपड़े उतारो ऊपर के, क्या होगा? हम यहाँ कुरान वो लिखा जाएगा, जाफरान घोल के यहां से लेके पूरे जिस्म पर लिख रहा है, पता नहीं क्या लिख रहा। और बेशरम औरत खोल देती है, लो लिखो, पीठ पे लिखवा रही है, जाफरान से कुरान की आयतें लिखकर पर्ची बनाकर कहा जाता है कि लो इसको तुम कब्र के नीचे शर्मगाह की तरफ बांध लेना, बच्चा आसानी से पैदा हो जाएगा। ये सब सूरतें हो रही हैं। मौलवी ना ताबीज दे सकता है ना पानी। मेरे भाइयों, अगर शरीयत की रोशनी से देखा जाए, शरई नुक्ते नजर से देखा जाए, तो अल्लाह की कसम, पानी पड़ पड़ कर दम करना, तेल वगैरह पे पड़कर दम करना, इनका भी सबूत मिलता नहीं है। बहुत मौजरत के साथ मैं ये बात कह रहा हूँ आपको, सही हदीस की रोशनी में अगर आप तलाश करना चाहें। इख्तिलाफ है, बहुत से उलमा ने कहा नहीं पानी पढ़ के दिया जा सकता है, लेकिन सही बात यह है कि पानी पढ़कर दम करना भी जायज़ नहीं है। कोई सरीह और सही हदीस मौजूद नहीं है। इसके बरखिलाफ वो हदीस मिलती है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि खाने और पीने की चीज़ों पर फूंक मत मारो। आपने देखा है जब आप खाना खाने बैठते हैं तो क्या पढ़ते हैं? बिस्मिल्लाह, और खाना शुरू कर देते हैं। अगर फूंक से बरकत होती तो हदीस में हुक्म ये होता कि बिस्मिल्लाह पढ़ के पहले खाने में दम करो और फिर खाओ, ऐसे प्लेट उठाओ बिस्मिल्लाह अब खाओ, क्यों? फूंक में बरकत है ना, तो फिर फूंको फिर खाओ ना। लेकिन नहीं, आपने कहा बिस्मिल्लाह और खाना शुरू करिए। आप खाने के लिए बिस्मिल्लाह नहीं कर रहे हैं, बल्कि शुरू जो कर रहे हैं उस काम के लिए आप बिस्मिल्लाह कह रहे हैं, क्योंकि आप जो भी काम शुरू करेंगे तो अल्लाह के नाम से, खाना नहीं, जो भी आप काम कर रहे हैं अल्लाह के नाम से शुरू कीजिए। ये है, लिखना शुरू कर रहे हैं बिस्मिल्लाह, अब आप लिखिए। खाना खाना शुरू कर रहे हैं तो बिस्मिल्लाह, अर्रहमान अर्रहीम नहीं, बिस्मिल्लाह। जहाँ जितना सबूत है वहाँ उतना करना है हमें और आपको। अल्लाह ताला ने ये कहा है, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अल्लाह का नाम लो, तो अल्लाह का नाम बिस्मिल्लाह हो गया। अल्लाह के नबी ने ये नहीं कहा कि अल्लाह रहमान रहीम कहो, सिर्फ अल्लाह का नाम बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह कह लो हो गया। और अगर हर बिस्मिल्लाह का मतलब बिस्मिल्लाह रहमान रहीम है तो फिर आप कुर्बानी करेंगे तो क्या कहेंगे जानवर पर? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अल्लाह अकबर, क्यों नहीं कहते हो? वहाँ पूरी बिस्मिल्लाह क्यों नहीं पढ़ते हो? नहीं पढ़ते हो क्यों? वहाँ नहीं बताया, वहां क्या बताया? बिस्मिल्लाह ही वल्लाहु अकबर। दुनिया जानती है कि वहां रहमान रहीम पढ़ना अकल के खिलाफ है, क्योंकि वहां जानवर को ज़िबह किया जा रहा है। और वहां कोई कहेगा बिस्मिल्लाह रहमान रहीम तो आदमी कहेगा ये कहाँ रहम है, एक तरफ जानवर काट रहे हैं दूसरी तरफ रहमान रहीम, बड़ा रहम करने वाला है रहमान। तो मेरे भाइयों, इसलिए जितना हदीसों से साबित है उतना करो, ईमान का तकाजा यही है मेरे भाइयों। क्या कहा फ़क़ी हज़रत खौला को? देखो वो खौला, खौला बिनते सालबा, उनके पति ने उनसे एक बार गुस्से में कह दिया अंते अलैया कज़ारे उम्मी, तू मुझ पर मेरी माँ की तरह हराम, क्या आज के बाद हाथ नहीं लगाएंगे तुझे, क्या समझती है तू अपने आप को? हम लोगों में भी ऐसा हो जाता ना कभी कभी, बीवी बहुत नखले दिखाए, अम्मा बन रही मेरी, कभी गुस्सा हो गया, भक जैसे मेरी माँ मुझ पर हराम, तू भी हम हराम, भक नहीं छुएंगे तुझे आज के बाद। ये जुमले बहुत खतरनाक हैं, हम बोल देते हैं बड़ी आसानी से, लेकिन बहुत खतरनाक है। खौला बिनते सालबा के शोहर ने, औस इब्ने सामित ने जब ये जुमले कह दिए कि अंता अंते अलैया कधारे उम्मी, तू मुझ पर मेरी माँ की पीठ की तरह हराम हो चुकी है, बाद में बड़े पछताए, तो खौला बिनते सालबा को अल्लाह के नबी के पास भेजा। ईमान देखिए, खौला बिनते सालबा अल्लाह के नबी के पास जाती है और कहती है अल्लाह के रसूल मेरे लिए रास्ता निकालो। अल्लाह के नबी ने कहा नहीं जाओ, अब तुम उनके ऊपर हराम हो चुकी हो। हैं, हराम कैसे? का जाओ, अब तुम उनसे नहीं मिल सकती हो, जैसे माँ की खिदमत की जाती है वो तुम्हारी वैसे खिदमत करेंगे। वो बहस करने लगी, जिद करने लगी, अल्लाह के नबी ने कहा उठो, तुम्हारे लिए मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, उसको घर से वापस कर दिया। खौला बिनते सालबा नबी के घर से बाहर निकली ना उम्मीद, निराश, मायूस, लेकिन दरवाजे से निकलती है, अल्लाह के रसूल के दरवाजे से लगा हुआ दरवाजा मस्जिद नबी का है,
मस्जिद नबी का है। उसने मस्जिद नबी की चौखट को देखा, चौखट को देखते ही चीख पड़ी, मोहम्मद तेरी चौखट बंद हो गई तो क्या हुआ, रब की चौखट तो खुली है। गौर करो ईमान की ताकत क्या है। ईमान किसे कहते हैं? वो नाउम्मीद नहीं हुई, आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तेरे घर की चौखट बंद हो गई तो क्या हुआ, रब की चौखट तो खुली है। हदीस के अल्फाज में वो औरत मस्जिद में दाखिल होती है, माँ बहनों सुनो, ओ चूड़ियां खरीदने वाली हो सुनो, ओ मार्केटों में लिपस्टिक और क्रीम और पॉन्ड्स खरीदने वाली हो सुनो, ये तुम्हारी जैसी एक औरत है खौला बिन्त सालबा, नबी की चौखट से निकलती है तुम मस्जिद में घुस जाती है, वजू बनाती है, दो रकात नमाज पढ़ती है, फिर अकेले अपने रब के सामने दोनों हाथ उठाकर ये दुआ करती है, इलाह आलमीन तेरे नबी की चौखट बंद हो गई तो क्या, तेरी तो खुली है, अल्लाह मेरे और मेरे शोहर के दरमियान कोई रास्ता निकाल, अल्लाह मेरे और मेरे पति के लिए कोई रास्ता बना दे। अल्लाह ने कहा जिब्रील क्या देख रहे हो, अगर मैंने अपनी बंदी के लिए रास्ता ना निकाला तो कौन निकालेगा, जाओ और मेरे हबीब से मेरे नबी के पास कुरान की आयतें लेकर और बता दो कि अल्लाह ने उस औरत के लिए और दुनिया के अंदर कयामत तक की तमाम औरतों के लिए रास्ता निकाल दिया है। जिब्राइल कुरान की आयतें लेके आए, अल्लाह की कसम खौला बिन्त सालबा भी मस्जिद के अंदर दुआ मांग रही है, अभी उसके आंसू गिर रहे हैं, अभी उसके हाथ नीचे नहीं हुए, अभी उसने दुआ मांगने के बाद अभी खत्म नहीं की, वो दुआओं में रवानी जारी है, वो दुआ पे दुआ मांगी जा रही है, और यहाँ जिब्रील ये आयतें लेके नाजिल होते हैं, कद समी अल्लाहु कौल लती तुजा दिलू कफी ज़ौजिहा व तश्तकी अल्लाह, अल्लाह ने उस औरत की बात को सुन लिया, अल्लाह ने उस लेडी की बात को सुन लिया, अल्लाह ने उस औरत की गुफ्तगू को सुन लिया जो आपसे बहस कर रही थी, तुजा दिलू का फीजा उजिया, जो आपसे बहस कर रही थी, जो आज आपसे डिबेट कर रही थी, जो आपसे लड़ रही थी अपने हस्बैंड के बारे में, वो तश्तकील अल्लाह, और जब आपने उसको भगा दिया, हटा दिया, घर से बाहर कर दिया, तो वो अल्लाह से भी फरियाद कर रही थी, तश्तकी इल्लाह, वो अल्लाह को भी पुकार रही यानी दुआ कर रही है। अल्लाह ने उस औरत की बात को सुन लिया है, जाओ ऐ नबी उस औरत को बुलाओ, और उस एक औरत के लिए मैंने कयामत तक की सारी औरतों के लिए मसला बदल दिया है। कहो जो लोग अपनी बीवियों को अपनी माँ की तरह कह लेते हैं, हराम कर लेते हैं, वो अपनी बीवी बना सकते हैं दोबारा, लेकिन दोबारा बीवी बनाने से पहले एक गुलाम आजाद करना पड़ेगा। एक गुलाम आजाद करने की ताकत ना हो तो 60 रोजे मुसलसल पैदर पे रखना पड़ेंगे कंटिन्यू रेगुलर, और 60 रोजे भी रखने की ताकत ना हो तो 60 मिस्कीनों को खाना खिलाना पड़ेगा, 60 फकीरों को ये तीन में से कोई एक काम करना होगा तरतीब से। अगर गुलाम आजाद करने की ताकत हो तो पहले गुलाम, ये ना हो तो 60 रोजे रखने की ताकत ना हो तो 60 मिस्कीनों को फकीरों को खाना खिलाएं, और फिर वो तुम्हारी बीवी ये सजा के तौर पर। लेकिन रास्ता तो निकाला, पहले तो रास्ता ही नहीं था लेकिन बाद में रास्ता तो निकाल दिया, कम से कम सजा मुतय्यन करके, और सजा इसलिए मुतय्यन किया ताकि हर वक्त हर आदमी अपनी बीवी को अपनी अम्मा की तरह हराम ना करता रहे अपने ऊपर, इसलिए ये सजा मुतय्यन कर दी। तो मेरे भाइयों खौला बिन्ते सालबा का ईमान देखो, नबी की चौखट से बाहर तो कहती है नबी तेरी चौखट बंद हुई तो क्या, रब की चौखट तो खुली है, ये ईमान की ताकत होती है। यही खौला बिन्ते सालबा जब लाठी टेक कर चलने लगी, बहुत बूढ़ी हो गई, कमर सीधी नहीं होती थी, लाठी लेके चलती थी, तो एक दिन हजरत उमर फारूक घोड़े पर जा रहे थे, खौला बिन्ते सालबा ने कहा उमर घोड़े से नीचे उतर मेरी बात सुन, हजरत उमर घोड़े से नीचे उतर गए और खौला बिन्ते सालबा के पास पहुंच गए पैदल, और नीचे झुककर कहते मां क्या कहती हो, सुनाया कुछ बात बोली। हजरत उमर फारूक वापस आए, लोगों ने कहा अमीरुल मोमिनीन एक मामूली औरत के लिए आप घोड़े से उतर गए, एक मामूली औरत के लिए आप घोड़े से उतर गए और उसके पास जाके झुककर उसके कान पे अपने कान लगा दिए उसके होठों से, आप कह सकते थे मेरे दरबार में आ, एक मामूली औरत के लिए आप घोड़े से उतर गए,
हजरत उमर फारूक रोते हुए कहते हैं, नहीं इसको मामूली औरत मत कहो, ये मामूली औरत नहीं है। जब नबी का दरवाजा बंद हो गया तो इस औरत की गुफ्तगू को अर्श वाले ने अर्श पे सुना है। ये मामूली औरत नहीं है जिसकी जबान से निकलने वाली दुआ को अल्लाह भी रिजेक्ट नहीं कर सका, अल्लाह ने इसकी दुआ अर्श पर कबूल की। उमर की क्या मजाल जो इसकी बात को सुनने के लिए घोड़े से ना उतरे, उमर की क्या हिम्मत जो इसकी बात को सुनने के लिए घोड़ा ना छोड़े। अरे जब अल्लाह ने इसकी बात को रिजेक्ट नहीं किया तो उमर इसकी बात को रिजेक्ट कैसे कर सकता है। जब सातवें आसमान के ऊपर अल्लाह ने इसकी बात को सुना तो उमर इसकी बात को कैसे मना कर सकता है, कैसे नहीं सुन सकता है। मेरे भाइयों, ये ईमान की ताकत थी, ईमान की ताकत, ये ईमान की ताकत हमें और आपको अपने अंदर पैदा करना है। पूरा खुतबा मेरा ईमान के ताल्लुक से रहा है। और फिर वही अलाश में वही बात, वला तहिनू वला तहजनू वअंतुम अलऊन इन कुंतुम मुमिनीन। इस ईमान से अगर हम अपनी बुनियाद को जोड़ेंगे तो हम तरक्की करेंगे, बुलंदी पर जाएंगे। और अगर इस ईमान से अपनी बुनियाद से रिश्ता अगर हम ख़त्म कर लेंगे तो फिर हमें जिल्लत मिलेगी, रुसवाई मिलेगी, पतंग की तरह कटकर हम ज़मीन पर गिरेंगे और हमें नौच डाला जाएगा। आम की तरह हम आसमान पर नहीं जाएंगे, टूटकर ज़मीन पर गिरेंगे और हमें खा लिया जाएगा, हमें लुकमा बना लिया जाएगा। ऐसी दुनिया की सारी कौमें हमारे ऊपर पिल पड़ेंगी। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि बारे अल्लाह ईमान हमारे अंदर पैदा फरमा दे, ईमान की मजबूती हमारे अंदर पैदा फरमा दे। अल्लाह हमें अक्ल और शुऊर से काम लेने की तौफीक अता फरमा, मसलहत हमारे अंदर पैदा फरमा दे, हर काम हमें हिकमत के साथ और दानाई के साथ करने की तौफीक अता फरमा। बारे अल्लाह जब तक हम जिंदा रहें इस्लाम पर हमें जिंदा रखना, जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर हमारा खात्मा फरमाना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।